हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, और उसके हमने चार क्वेश्चन एक्सरसाइज के कवर किए थे। आज हम आगे करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और एग्जांपल्स उसके कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। कहते हैं कि हमने एक कॉइन लिया, उसको हमने 3 बार जो वो टॉस किया, ठीक है, और इसके आउटकम क्या आएंगे। अब जैसे कोई भी कॉइन लेते हैं तो उसके 2 आउटकम आते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। तो अगर हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया, फर्स्ट टॉस करेंगे हेड एंड टेल, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। सेकंड टॉस किया, फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस एंड थर्ड टॉस, ये हमने ले लिए टॉसेस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टॉस, ये सेकेंड टॉस और ये थर्ड टॉस। जैसे ही हमने कॉइन को टॉस किया तो यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, इसके पास हेड एंड टेल आ सकता है, दूसरी बारी फिर से हेड एंड टेल आ सकता है, थर्ड टॉस किया तो भी हमारा हेड एंड टेल आ सकता है। तो इसके कितने वेज हो गए, 2 वेज, सिमिलरली 2 एंड 2, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे आपके पास वेज, 2 into 2 into 2, दिस इज इक्वल टू 8 हो, ठीक है। करना कैसे है सॉल्यूशन इसका। When a coin is tossed, there are 2 outcomes. जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं हमारे पास 2 आउटकम आते हैं, दैट इज क्या क्या आ सकते हैं, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टॉस में देखें, फर्स्ट टॉस में हमारे पास हेड एंड टेल आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकाल लेते हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन कॉइन इज टॉस 1 time। अगर हम 1 time कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉइन्स पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 2nd time, फर्स्ट टाइम हमने किया 2 वेज, सेकेंड टाइम किया, सेकेंड टाइम करोगे तो भी हमारे पास 2 वेज आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हमें 3rd time करेंगे, व्हेन ए कॉइन, सेम टू सेम लिखोगे, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3rd time, 3rd time करेंगे तो भी हमारे पास 2 वेज आ रहे हैं, ठीक है। देन आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कौन सा किया था कल हमने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सेकंड नेम क्या होता है इसका, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इससे हमारे पास क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है, जितने भी आउटकम आपके पास आए हैं मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन 5 flags ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 flags, 1 below the other, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 5 flag गिवन है आपके पास अलग अलग कलर के। आपको क्या करना है कि कितने सिग्नल बनेंगे अगर हम एक सिग्नल पे 2 flag का यूज कर लेते हैं, तो आपके पास कितने सिग्नल बनेंगे। हमने मान लिया कि हमने 2 flag ले लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट कलर के हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे लेके चलते हो, जैसे हमने 5 flag लिए, 1, 2, 3, 4, 5, सबके अलग अलग कलर दे रखे हैं। मान लिया हमने रेड ले लिया, पिंक ले लिया, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज, ठीक है। 5 flag आपके पास गिवन है और आपको सिग्नल बनाना है 2 flag का यूज़ करके। इनमें से कोई भी 2 flag उठाओ और सिग्नल बनाओ, तो कितने सिग्नल बन सकते हैं इन दो दो का यूज़ करके।
जैसे मान लीजिए हमने एक सिग्नल बनाया, ये हम हमारे पास है सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल बनाने के लिए हमें दो कलर के दो फ्लैग का यूज़ करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेड ले लिया, यहाँ पे पिंक ले लेते हैं, एक सिग्नल बन गया। दूसरा सिग्नल बनाएंगे तो रेड के साथ ब्लू ले लिया, रेड के साथ येलो ले लिया, रेड के साथ ऑरेंज ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे रेड की जगह पिंक ले लिया, फिर यहाँ पे रेड की जगह ब्लू ले लेंगे, फिर येलो ले लेंगे, फिर ऑरेंज ले लेंगे। तो इसका मतलब जो भी आप सिग्नल बना रहे हो उसके पास फर्स्ट प्लेस, ये आपके पास फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया, ठीक है। तो इसको फिल करने के लिए आपके पास पांच फ्लैग हैं, तो इसके हो गए 5 ways, इसको फिल कर सकते हो 5 तरीके से, ठीक है। पांचों में से कोई भी फ्लैग यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम इसमें से एक फ्लैग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो बाकी बचे हमारे पास 4, तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास वेज रह गए 4, यानी कि हम बाकी 4 फ्लैग्स में से यहाँ पे कोई भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना आ जाएगा, 5 × 4 = 20 आ जाएगा, ओके। चलिए करना कैसे है, आपके पास गिवन है देयर आर 5 flags, 5 flag आपके पास गिवन है, ठीक है। ए सिग्नल इज जनरेटेड बाय 2 flags, 2 flag का यूज करके एक सिग्नल बना रहे हैं, 1 below the other, ठीक है। एक सिग्नल आपको कैसे बनाना है कि एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से एक कलर ऊपर एक कलर नीचे, इस तरह आपके पास एक सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट प्लेस जो आपके पास है, फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय 5 flags इन 5 ways, 5 आपके पास फर्स्ट प्लेस पे 5 फ्लैग में से आप कोई भी उठा के यहाँ लगा सकते, तो उसके आपको 5 तरीके से हम उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड प्लेस इज फिल्ड बाय रिमेनिंग 4 flag इन 4 ways, ठीक है। तो जो आपके पास सेकंड प्लेस है उसमें जो आपके पास 4 flag बच जाते हैं, बचे हुए 4 flag में से कोई भी उठा के रख सकते हैं, तो वहाँ पे बन जाएगा आपके पास, उसको आप 4 तरीके से फिल कर सकते हो। देन बाय फंडामेंटल, बाय या तो आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं, दोनों वेज की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके पास 5 वेज थे, इसके पास 4, तो 5 × 4 = 20 वेज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, आउटकम का मतलब क्या है कि हमने कितने सिग्नल बनाए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आ गए 20, तो यहाँ पे आप 20 सिग्नल बना सकते हो 5 different कलर के फ्लैग्स का यूज़ करके, ठीक है। वन एक्सरसाइज एग्जांपल, फर्स्ट आपके पास गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter words विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, क्या बोला गया कि 4 word का लेटर बनाइए, 4 letter यूज़ करके एक वर्ड बनाना है आपको, चाहे उसका मीनिंग निकले चाहे ना निकले। आपके पास जो लेटर दे रखा है वो क्या दे रखा है, वर्ड का यूज़ करना है ROSE, इन 4 letters का यूज़ करके आपको 4 जितने भी वर्ड बनते हैं उतने बनाने हैं, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, यानी कि आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 4 letters को यूज़ करके कितने वर्ड बन सकते हैं, हमें बनाना है 4 letter का, तो हम 4 box ले लेते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए 4 letter का वर्ड, ठीक है। तो 4 box ले लिया, यूज़ कौन से करने हैं, सिर्फ ROSE, सिर्फ इन 4 letters का यूज़ करना है, और आपको बताना है कि आप कितने वर्ड यहाँ पे बना सकते हो, या उसका मीनिंग निकले चाहे ना निकले, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपके पास अगर हम लेते हैं फर्स्ट प्लेस के पास, दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड,
एंड फोर्थ. जब हम फर्स्ट प्लेस फिल करते हैं तो चारों लेटर्स में से कोई भी लेटर उठा सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इसके पास कितने पेज आ जाएंगे, फोर पेज आ जाएंगे, चारों में से कोई भी उठा लिया. अभी हमें बोला गया है कि रिपीटेशन हमारे पास लेटर्स की अलाउड नहीं है, यानी कि जो एक लेटर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, जो लिख दिया, वो उसका यूज़ हम आगे नहीं कर सकते, ठीक है. तो अगर चार में से एक यहाँ पे लिख देते हैं तो रिमेनिंग लेटर बचे तीन, ठीक है. इसके बेस कितने बच गए, सेकेंड प्लेस को आप फिल कर सकते हो, तीन लेटर में से कोई भी फिल कर सकते हो यहाँ पे, तो थ्री बेस. दो लेटर हमारे पास फिक्स हो चुके, चार में से दो लेटर हमने फिक्स कर दिए, बाकी बचे दो लेटर, कोई भी हो सकते हैं. इसके पास बच गए टू वेज, ठीक है. और लास्ट में तीन लेटर फिक्स होने के बाद लास्ट में एक का ही चांस रहा, इसके पास एक वेज. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अगर आप निकालते हो वर्ड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब जितने वर्ड आप बना सकते हो, कितने आ जाएंगे, सबकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ, जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज 24, ठीक है. लिखना कैसे है आपको, कि आपके पास चार वर्ड गिवन है, देर आर फोर वर्ड्स, या सॉरी वर्ड नहीं लेटर, चार लेटर गिवन है. हमें बनाना है कि हमारे पास कितने वर्ड बन सकते हैं इनका यूज़ करके. तो जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय, जो फर्स्ट प्लेस है कि आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, चार तरीके से फिल कर सकते हो, फिल्ड बाय फोर लेटर्स यूजिंग फोर लेटर्स इन फोर वेज, चार तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं. सेकंड प्लेस की बात आती है, सेकंड प्लेस इज फिल्ड बाय रिमेनिंग थ्री लेटर्स इन थ्री वेज. तो अब बाकी जब जो सेकंड प्लेस है, जो आपके पास तीन लेटर बच जाते हैं, एक का हम यूज़ कर चुके, तो तीन बच जाते हैं, आप तीन तरीके से इसको फिल कर सकते हो. सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे थर्ड प्लेस जो आपके पास दो लेटर बच जाएंगे यहाँ पे, तो आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, टू वेज से. बाकी सारी लैंग्वेज सेम रहेगी, सेम टू सेम. फोर्थ वेज में आप जो आपके पास एक लेटर बच जाएगा वो वन वे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे सबके. गिवन है फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर. सेम टू सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने किया था, वहाँ पे हमें पांच फ्लैग दे रखे थे, ठीक है. तो आपको सेम टू सेम ही करना है, बस यहाँ पे फोर फ्लैग है तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको सिग्नल बनाना है दो फ्लैग का यूज करके, ठीक है. ये हमारे पास फर्स्ट फ्लैग एंड सेकेंड फ्लैग, चार फ्लैग्स में से डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपके पास फोर फ्लैग हैं और उनमें से दो दो को उठा के आपको सिग्नल बनाने हैं. तो आप कितने सिग्नल बना सकते हो ये आपको बता दें, ठीक है. अगर एक सिग्नल रिक्वायर करता है दो फ्लैग को, वन बिलो द अदर, तो वही हमारे पास हो जाएगा. फर्स्ट प्लेस फिल करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं, आपके पास है चार फ्लैग, तो इसके पास हो गए फर्स्ट प्लेस पे, हम चारों में से कोई भी फ्लैग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं. फिर एक फ्लैग, एक कलर का फ्लैग हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो बाकी बचे हमारे पास थ्री फ्लैग का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इस सेकंड प्लेस फिल करने के लिए थ्री वेज हो जाएगा, ठीक है. देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आप लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 4 into 3, दिस इज 12. एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है, हाउ मैनी टू डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5. इन पांचों डिजिट्स का यूज करके आपको दो डिजिट का इवन नंबर बनाना है. इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, आप डिजिट्स को यूज जो है रिपीट कर सकते हो, ठीक है. चल देखिए, हमें चाहिए दो डिजिट का, तो हम दो बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है. हमें टू डिजिट इवन नंबर बनाना है, यूज़ कौन कौन से नंबर करने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और नंबर कैसा चाहिए हमें,
इवन नंबर। इवन नंबर कैसा होता है? जिसका यूनिट प्लेस पे हमारा 2, 4, 6, 8 जो आते हैं वो हमारा इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये यूनिट प्लेस है नंबर, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। यूनिट प्लेस ये आपके पास है टेंस प्लेस। तो हमें जो दो डिजिट का चाहिए तो हम दो डिजिट ही लेके चलेंगे, यूनिट और टेंस। इनमें से यहाँ पे कौन सा नंबर फिल करें कि हमारे पास यूनिट जो सॉरी इवन नंबर बन जाए? तो सिर्फ 2 और 4 हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसके पास हो गए 2 ways, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 2 नंबर यूज़ कर सकते हैं, 2 का और 4 का, क्योंकि 1, 3 और 5 अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो हमारा ओड नंबर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टेंस प्लेस के लिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, मान लिया मैंने 2 यहाँ लिख दिया तो मैं 2 यहाँ भी लिख सकते हूँ। क्यों? क्योंकि हम इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टेंस प्लेस को देखें तो 5ों में से कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है, तो इसके पास हो गए 5 ways, टोटल बन गए हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे 10। तो आप ऐसे 10 नंबर बना सकते हो इवन नंबर 5ों डिजिट्स का यूज़ करके। चलिए देखिए, व्हेन वी फॉर्म एन इवन नंबर यूनिट प्लेस इज फील्ड बाय यूजिंग 2 and 4। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यूजिंग 2 and 4 इन आउट ऑफ 1 and 5 भी बता सकते हो, आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से 5ों में से हमने 2 नंबर उठा लिए, वो आपको यूनिट प्लेस पे फिल कर देने इन कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए। ठीक है, एंड टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड by using 5 letters, 5 word जो आपके पास five numbers in 5 ways। ठीक है, ये पूरा लिख देते हैं numbers। तो हम 5ों नंबर्स का यूज़ करके इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं सेकंड प्लेस को। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर आप ले सकते हो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू 5 into 2, दिस इज इक्वल टू 10 आपका आंसर। लास्ट एग्जांपल आपके पास गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 flags इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टार, एट लीस्ट 5 different flags आर अवेलेबल। 4, 5 जो आपके पास डिफरेंट कलर के फ्लैग गिवन है, ठीक है, अलग अलग फ्लैग गिवन है, तो आपको बनाने हैं एट लीस्ट 2 flags का यूज़ करके आप कितने सिग्नल बना सकते हो। एट लीस्ट 2 का मतलब क्या है यहाँ पे? At least 2 flag कम से कम 2 flag यूज़ करके आप कितने सिग्नल बना सकते हो? कम से कम 2 का मतलब है कि आप 2 flag यूज़ कर सकते हो, 3 flag यूज़ करके सिग्नल बना सकते हो, 4 या फिर लास्ट हमारे पास 5 हो जाता है। तो मान लिया कि हमने एट लीस्ट 2 का मीनिंग है हमने 2 flag यूज़ करके सिग्नल बनाया, या फिर 3 flag यूज़ करके सिग्नल बनाया, या फिर आप बना सकते हो 4 flag यूज़ करके, 1, 2, 3 and 4 और लास्ट में बच गया आपके पास 5 flag, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फिर हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, सारे फ्लैग्स को जो आपके अलग अलग निकाल के फिर उसको ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आ जाते हैं। तो ये जो आपके पास है ये सारे सिग्नल्स बना रहे हैं हम। सिग्नल्स कैसे आएंगे? हाँ, अगर हम 2 flag का यूज़ करके सिग्नल बनाते हैं, हमारे पास टोटल है 5 different color के फ्लैग, ठीक है, तो 5 अलग अलग color के फ्लैग्स का हमें 2 का यूज़ करना है, तो इसके पास कितने वेज बने? 5 वेज।
फर्स्ट प्लेस को आप फिल कर सकते हो पांच फ्लैग में से कोई एक यूज़ करके, ठीक है। एक फ्लैग यहाँ पे यूज़ कर लिया, सेकंड प्लेस के लिए कितना बचा, फोर प्लेस। तो अगर हमें दो फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाने हैं तो हमारे पास आ गए 5×4=20। एटलीस्ट टू बोला है तो हम तीन फ्लैग का यूज़ करके भी सिग्नल बना सकते हैं। तो अगर हम तीन फ्लैग का यूज़ करके बनाते हैं तो फर्स्ट प्लेस फिल करेंगे हम फाइव वेज, क्योंकि हमारे पास इसमें पांचों में से कोई भी आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड प्लेस पे एक फ्लैग यहाँ पे आ चुका, सेकंड के लिए बचे फोर वेज, एंड थर्ड के लिए बचे दो फ्लैग यहाँ पे आ गए, बाकी बचे थ्री वेज, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ फ्लैग सिग्नल कितने आ जाएंगे, दिस 4×20=60, इसके 60 आ जाएंगे। अगर हम चार फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाते हैं तो फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास फाइव वेज, सेकंड प्लेस के लिए फोर वेज, थर्ड प्लेस के लिए थ्री, एंड फोर्थ प्लेस के लिए टू वेज बच जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास आउटकम्स, 4×5×3×2, दिस इज इक्वल टू ये आपके पास 60 × 120, ठीक है। अगर हम फाइव फ्लैग्स का यूज़ करके बनाते हैं तो सिग्नल्स कितने आएंगे आपके पास, फर्स्ट के लिए पांच वेज, सेकंड के लिए चार वेज, थर्ड के लिए थ्री, एंड फोर्थ के लिए टू, और फिफ्थ के लिए वन, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स 5×3×2×1, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 120, ठीक है। 5×3×2×10। और अभी हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने बना सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, या तो आउटकम लिख लो आउटकम्स, या फिर सिग्नल लिख लो सिग्नल्स इज इक्वल टू, सारे के सारों को इनको ऐड कर देंगे, दो वाले कितने आए 20, प्लस अगर हम तीन फ्लैग यूज़ करके बना रहे हैं 60, प्लस 120, प्लस 120, जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ये आपके पास थी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 7.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, देन ट्राई कीजिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।